कितने सेवादार होंगे यहाँ पे? यहाँ पे तो मैं नहीं पता, सब चले। वैसे टोटल पूरे भारत में कितने होंगे? भारत में कोई गिनती नहीं है सेवादारों की, कोई गिनती नहीं। फिर भी अनुमानित? अनुमान लाखों करोड़ों। अच्छा, क्या कैसे गुरुदीक्षा मिलती है, कैसे सेवादार बनते हैं आप लोग? कुछ जयकारा है मात्र, और कुछ नहीं है। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी माता श्री की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। यही मूल मंत्र है और कुछ भी नहीं है। फूल माला अगरबत्ती धूपबत्ती पैसा रुपया कुछ भी नहीं चढ़ावा यहाँ। इसी से हम लोग सुबह शाम नमन कराते हैं, वंदना प्रार्थना करते हैं, आरती करते हैं, बस। अच्छा बाबा जी से मुलाकात भी होती होगी आप लोगों की? तो कैसे साधारण लगते हैं, कैसे लगते हैं? मतलब एकदम से, मतलब कहते हैं कि निराकार साकार और साकार जी दोनों में यही मौजूद। अच्छा, आप लोग कहते हैं वो ब्रह्मा जी के समान है, ब्रह्मा जैसे हैं, सब समाये हुए हैं, क्या कोई अवतारी हैं? अवतार अवतारी हैं क्या? अवतार नहीं है, ये प्रकृति का प्रकट हुए हैं। अच्छा अच्छा, आप लोग को कोई लाभ भी, जैसे कोई परेशानी होती होगी तो लाभ बताते हो बाबा जी को? बताते कुछ नहीं, जो हमें मुसीबत होती है तो हम इसी जयकारा को बोलते हैं, इसी से मुझे समाधान हो जाता है। क्या जयकारा बोलते हो? नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। अच्छा, कभी कोई परेशानी आई आपको? परेशानी मेरी जान बची। क्या हुआ था? मेरे सिर पे जो चारा खानते हैं वो चारा खाने वाला खर्चा मेरे सिर पे गिरा। फिर आपने इन्हीं का यही नाम लिया था? बोल मतलब मैं जब और मेरी जान बच गई। बाबा जी यहाँ आए का नाम 10/5/2024 को, 2024 को, हाँ 10 मई को यहाँ आए हुए। हाँ जी हाँ, उसने हाँ उससे पहले ये आश्रम बना था, लॉकडाउन में ये आश्रम बना, यहाँ नहीं रहते थे। हाँ बाबा जी बाहर रहते थे, भक्तों का कर्म मिलने का है, इनका 9 से 11 से 2 का टाइम है, बैठते हैं तो जो भी ब्रह्मवाणी अपने देते हैं, जो कुछ ने ज्ञान चर्चा वही देते हैं। मुझे तो आज दिन तक कोई लाभ नहीं मिला, मुझे तो अपनी खेती से मतलब मेहनत करेंगे वो मिलेगा खाने को, और कोई फ्री तो देगा नहीं मुझे खाने को, गवर्नमेंट भी नहीं देती है तो ये क्या देंगे मुझे? जिम्मेदार कौन है? जो 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 जिसने सत्संग किया है जिम्मेदार तो उसे होना चाहिए, क्योंकि जब आप नहीं वहाँ जाते तो ये दुर्घटना नहीं होती। हाँ जी, अगर इनको तो वहाँ जाना चाहिए, इनको तो ये देखना चाहिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है और कैसे हुआ है। हाँ तो अब वो तो वहाँ खत्म हो गई, ये तो अपने चले आए आराम से, और जहाँ होंगे तहाँ आराम से होंगे। हाँ सुना तो मैंने भी है कि भोले बाबा कहते हैं, लेकिन भोले बाबा तो पर्वत पर रहते हैं, नीचे नहीं रहते हैं। आप बताइए किसी ने देखा हो?